फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो इसके पीछे कुछ बहुत सारे रीजंस थे दोस्तों। सबसे ज़्यादा रीजंस ये थे ना कि इंटरव्यूज चल रहे थे, ठीक है। तो मैं भी सोच रही थी कि थोड़ा सा स्विच करूँ, थोड़ा क्यों अच्छा स्विच करूँ, मतलब मुझे भी अच्छी सैलरी मिले। और अच्छी सैलरी मिलने के साथ साथ ऑफकोर्स यार इतना पढ़ाई में खर्च करके हम लोग आए हैं तो डेफिनेटली बनता है कि अब उसको थोड़ा कवर अप भी करें। हमेशा खर्च करना ही नहीं होता। अभी मैं आई हुई हूँ अपने नेम आई मीन कोस्टा में आई हुई हूँ। और यहाँ पर मेरा आने का रीज़न ये था कि यहाँ के जो एरिया मैनेजर है, मतलब जब मैं स्टूडेंट में इनके साथ काम करा है मैंने, तो जो इनके एरिया मैनेजर वो मैं उनको जानती हूँ। तो उन्होंने मैंने कल उनका ऐसे ही मैसेज किया था रैंडम कि सर कैसे हैं आप, और उन्होंने कहा था ठीक है पूजा एक क्विक चैट के लिए आप यहाँ आ जाओ। तो यहीं के पास वाले मतलब कोस्टा में मैं जो इनका मेन है वहाँ पर मैं आ गई थी। तो फ्रेंड्स यही है, मैंने इनके साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत लंबे समय तक इनके साथ एज ए स्टूडेंट मैंने काम किया था। देन उसके बाद फिर मेरा स्विच हो गया था, फिर मैंने किया था एयरपोर्ट पे, किया वहाँ का एक्सपीरियंस लिया, कर रही हूँ अभी भी नो डाउट, बट देख रही हूँ। ऑब्वियसली अब सब हर किसी को चाह होती है कि अच्छी जगह पे काम करने की और अच्छी सैलरी मिले, जो मेन पर्पज जिसके लिए हम लोग आए हैं अपनी पढ़ाई के लिए और अच्छा कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कमाई के साथ साथ ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब अर्न कर रहे हो, और हम लोग मंथली सोच के क्या अर्न करते हैं, कितने आवर्स हम लोग काम करते हैं और हमें मिलता कितना है, तो यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है बेसिकली हम बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे तो वो ये मुद्दा है यहाँ का टैक्स सिस्टम। इतना फ्रेंड्स इन लोगों का, मतलब मैं आपको पूरी स्लैब बताऊँगी थोड़ी देर बाद उसका डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। अभी हमारी ना हाल फिलहाल एक दो फ्रेंड्स हैं जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो वो लोग बात कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि क्या नाम है, यूके का तो इतनी ज़बरदस्त इनकम, मतलब यूके में उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि यूके में तो जो मतलब तुम लोगों का जो रेट है वो भी इतना हाई है कि एज़ कम्पेरिजन टू ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। ऑफकोर्स बिल्कुल इनका जो हमारे अगर इंडियन रुपी में हम बात करें तो डेफिनेटली इनका हाई है। तो वो हाई होने के साथ साथ कितनी चीज़ें यहाँ पर हाई हैं, कितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चीज़ें इसलिए हाई अभी हो चुकी हैं 3.9, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको कि जो जिस जब मैं आई थी 2021 में, तो उस टाइम पे यहाँ के क्या हालात थे, मतलब एक 350 पाउंड में भी एक बॉक्स रूम छोटा मिल जाता था। लेकिन आज एक 600 में भी एक नॉर्मल रूम मिलना इतना टफ हो रहा है, 600-650 उससे ऊपर जाओ ये तो सबसे मिनिमम है, ठीक है। और अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो भी आपका सिंगल प्राइस इतना ही है। तो फ्रेंड्स मैं इसी में बारे में बात करूँगी जो यहाँ का टैक्स रेट है। जब एक हम एज ए स्टूडेंट कमाते हैं महीने के 700-800 हमने कमा लिए, तो कोई इतना ज़्यादा इसमें टैक्स नहीं है। आई मीन अगर पूरे साल की अगर हम बात करें, जीरो से लेकर के 12,000 पाउंड तक कोई टैक्स नहीं है, 0% आपका टैक्स होता है। लेकिन 12,000 पाउंड से जैसे एक रुपये आपका बढ़ता है ऊपर, 12,000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक अगर आपका पर एनम इस बीच आपकी कोई भी पैकेज की सैलरी है, तो आपका रेट जाता है सीधा 20%, आपका टैक्स कट जाएगा 20% से लेकर के, जो 20% से अब जो है वो कटता है आपका 50,000 से लेकर 150 के बीच में 40% टैक्स कटता है सीधा आपकी। अगर आपकी इस बीच अगर आप समझ लो आपकी सैलरी 60,000 पैकेज की है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 यानी कि 1 CR, तो आपका जो भी है तो वो 40% ही कटेगा। ऐसा नहीं कि आपको 60% है तो आपका कम कटेगा, यानी कि 60,000 पैकेज आ रहा है या कम कटेगा 1 CR का ज़्यादा, नहीं। तो जो इनका टैक्स स्लैब है वो ये कहता है कि आपकी 50,000 से लेके 150 तक के बीच का 40% टैक्स है सीधा। देन उसके बाद में 150 एंड अबव जो भी टैक्स है हमारा वो है 45% का। तो दोस्तों अब ये चीज़ देख लो क्या कमाई है। मैं तो ये सोची यानी कि अगर 1 CR कोई कमा रहा है तो सीधा 1 करोड़ यानी कि 40 लाख रुपये टैक्स दे देगा। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि 60 लाख वाली पैकेज की जॉब पकड़ लो, थोड़ा कम तो टैक्स देना। अच्छा, उसमें जो टैक्स कैलकुलेशन है ना फ्रेंड्स, वो ऐसे है जैसे 12,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, 12,000 से ऊपर जितना होगा और आपके टैक्स स्लैब में जो आएगा ना वो परसेंट कटेगा आपका। 12,000 तक कोई अमाउंट नहीं कटेगा, चाहे आप 60,000 पैकेज पे हो, चाहे आप 50,000 पे हो, चाहे आप जिस चीज़, तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहना, ठीक है। वो अबव 12,000 पे कटेगा। और थोड़ा सा ये है कि मैं इतने अच्छे व्यू में बाहर बैठी हुई हूँ ना फ्रेंड्स, ओहो जनाब आ गए व्यू में, महिला भी आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, इंटेंशनली हम इनकी फ़ोटो नहीं ले रहे हैं कैमरे के बीच में, पर देखो यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ है फ्रेंड्स, है ना, हम तो जो कह रहे थे। पर मेरे ख्याल से अभी जैसे हालात यूके के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े से ठीक है, सही हो जाएंगे, ये तो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, आता जाता रहता है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्राइसिस इकोनॉमिक साइकिल है, ये चलता रहेगा। बट जो बच्चे आने वाले हैं, और अभी मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि PSW के ऊपर भी ये लोग बात कर रहे हैं, जो अभी बच्चे हैं जिनको जिस टाइम पे वो हैं उनको उस टाइम पे PSW ज़रूर मिलेगा, वो PSW हटेगा नहीं उनका। लेकिन हो सकता है इनकी पॉलिसी चेंज हो जाए आने वाले टाइम पे, और होगी, डेफिनेटली होगी, अगर इन्होंने प्रपोजल रखा है तो वो एक्सेप्ट होगा।
तो जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जो मैं इंटेक के या सेप्टेम्बर इंटेक के जो भी हैं जल्दी आएँ। तो बस फ्रेंड्स, और देखते हैं अभी जाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ आगे भी।